हाय, कैसे हो? आज इस वाली वीडियो में जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चन की कहानी है, पहले डायग्राम हमने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की कहानी पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन चल ही रहा है, जरा उसको देखिएगा कि ए स्पिनर इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स ए बी एंड सी बाय द रेडियस ओ जेड एंड द डायमीटर एक्स ओ वाई। आपके पास ना एक स्पिनर है। स्पिनर मतलब वो नहीं होता उसको ऐसे घुमा देते हैं, फिर वो जाके ऐसे आपने देखा होगा वो होता है ऐसा घुमाने वाला, उसको घुमा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके रुकता है। वैसे वाला हमारे सामने ना एक स्पिनर है। ये जब हम लोग कहीं जाते हैं गेम वगैरह खेलने तो वहां होता है, उसको ऐसे पकड़ के खींच दो तो बीच में वो लगा होता है, फिर वो टक 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 करके इस तरीके से यहाँ पे रुकता रहता है। तो जहां रुक जाता है वो वाला रिजल्ट जीत जाता है। ऐसी कहानी है कुछ। तो हमारे सामने ना ये यहाँ पर एक स्पिनर है। सर्कल इस तरीके से घूमेगा, ये एरो यहीं पे रहेगा और जब सर्कल घूमेगा तो घूम के कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो ये एरो जिस पोजीशन पर आएगा, ए वाले पार्ट के पास आएगा, हो सकता है बी घूमकर यहाँ पर आ जाए, हो सकता है सी घूमकर यहाँ पर आ जाए, जिस वाले पार्ट के पास आएगा वो जीतेगा। ऐसा स्पिनर होता है। तो ए स्पिनर इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स ए बी एंड सी। आप लोग देख सकते हैं ये तीन पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ये रहा ए, एक पार्ट ये रहा बी और एक पार्ट ये रहा यहाँ पे सी। एंड बाय द रेडियस ओ जेड, ये डिवाइड हो रहा है एक तो इस वाली लाइन से और एक इस वाली लाइन से। उसने ये कहा है बाय द रेडियस ओ जेड एंड एक्स ओ वाई। एक तो इस वाली लाइन ने ए बी में डिवाइड कर दिया और एक इस वाली लाइन ने ऊपर और नीचे मतलब इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इफ एंगल एक्स ओ जेड इज इक्वल टू 72, आप देख सकते हैं एक्स ओ जेड मतलब जो ये वाला एंगल है वो आपके सामने, जो ये पूरा का पूरा एंगल है वो आपके सामने 72 डिग्री का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द एरो विल लैंड इन द रीजन बी। जो ये एरो है वो यहां पर इस बी वाले पार्ट में आके गिरेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब सबसे पहले कहानी में हमें यह समझना है कि अगर ये एरो यहां पर इस बी वाले पार्ट के अंदर आके गिरेगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकलती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमें ये एरो यहां पर बी के पास जाना चाहिए, मतलब ये एरो बी के अंदर जाएगा, इस कहानी का ये मतलब है कि आपके पास जो बी वाला पार्ट है वो फेवरेट है। भाई अगर कोई एरो बी के अंदर जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बी वाला पार्ट है वो फेवरेट है, क्योंकि वहीं जाना चाहिए तभी हम लोग जीतेंगे। क्वेश्चन वाले ने वही कहा हुआ है। तो इसका मतलब बी वाला पार्ट जो सिर्फ इतना सा पार्ट है वाई ओ जेड या फिर जेड ओ वाई कुछ भी कह दो, ये वाला पार्ट हमारा फेवरेट है। और टोटल पार्ट क्या है? टोटल पार्ट तो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, क्योंकि ये एरो ए के पास भी रुक सकता है, बी के पास भी रुक सकता है, सी के पास भी रुक सकता है, ये तो कहीं भी रुक सकता है ना। तो टोटल पार्ट तो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, टोटल पार्ट तो हमारा यहां पर पूरा का पूरा सर्कल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर किस चीज की बात हो रही है, यहां पर एंगल की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, तो हमें पता चलता है कि भाई जो ए वाला पार्ट है उसका एंगल 72 है। तो जब एंगल की बात हो रही है इसका मतलब हम लोग भी एंगल में ही बात करेंगे। तो कहानी में क्या आता है कि अगर आपको पता है ये एक्स ओ वाई यहां पर एक डायमीटर है, अगर एक्स ओ वाई यहां पर एक डायमीटर है तो उसका जो एंगल होगा वो यहां पर 180 डिग्री का होगा। भाई ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री में से 72 इधर चला गया तो ये वाला एंगल निकाला जा सकता है। भाई ए वाला पार्ट जो है वो 72 लेके चला गया तो बी वाले पार्ट के पास कितना बचा? 108, क्योंकि 180 में से 72 माइनस कर दो 108 आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। इसका मतलब जो बी वाला पार्ट है उसका एंगल 108 डिग्री है, जो बी वाला पार्ट है उसका एंगल 108 डिग्री है। तो हम लोग क्वेश्चन में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए बी वाले एंगल को टोटल एंगल से डिवाइड करेंगे, बी वाले एंगल को टोटल एंगल से डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमारा बी वाला एंगल है वो 108 आया। कैसे आया? भाई पूरे के पूरे 180 में से
इधर वाला 72 माइनस कर दो, उधर वाला 108 आ जाएगा, तो बी वाला एंगल आ गया 108 डिग्री लिखना ही है। और टोटल एंगल, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सर्कल का एक कंप्लीट एंगल, एक टोटल एंगल कितना होता है, तो वो हमारे सामने यहां पर 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब आप लोग इसको यहां पर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 2 5 10, 2 4 8, इसको 2 से उड़ाओगे तो 180 आएगा, फिर 2 से उड़ा दोगे 27 आएगा, इसको 2 से उड़ा दोगे 90 आएगा, ये 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 3 27 9 10 90। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर 3/10 आ गई। मतलब ये जो स्पिनर है वो बी वाले पार्ट में जाके रुकेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपके सामने 3/10 है। तो सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस पार्ट के बारे में वो पूछ रहा है ना, वो हमारा फेवरेट है, बाकी हमारा टोटल है। तो फेवरेट को टोटल से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। लास्ट टाइम ना हम लोग एरिया की बात कर रहे थे कि डार्ट फेंकेंगे, एक भाला फेंकेंगे तो सर्कल के अंदर जाके गिरेगा, तो वहां पर एरिया को एरिया से डिवाइड करा। यहां डिग्री की बात हो रही है तो डिग्री को डिग्री से डिवाइड करा। ऐसी छोटी मोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। हो सकता है कहीं सर्कमफेरेंस की बात हो रही हो सकता है कहीं पे लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही हो सकता है कहीं पर कोई छोटा मोटा कुछ और अलग चीजें वो पूछ ले, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी एरिया ऑफ सेक्टर हो सकता है पूछ ले, तो उस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस पार्ट की बात कर रहा है। वो डिग्री की बात कर रहा है तो फिर हम लोग यहां पर एंगल को एंगल से डिवाइड करेंगे, वो एरिया की बात करता तो एरिया को एरिया से डिवाइड करते, वो सर्कमफेरेंस की बात करता तो सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करते। ऐसा कुछ भी पूछे तो वो हम लोगों को यहां पर देखना होगा। बाकी जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट में फीडबैक दीजिए, कोई नया क्वेश्चन है तो ड्रॉप आउट करिए। थैंक यू।